नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे हेल्थ वीडियो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना को आपने आवेदन किए लगभग 1 साल 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काफी लोगों के 80% लोगों के फॉर्म पेंडिंग हैं या फिर अपलोड लेवल पर गए हुए हैं, लेकिन उनके फॉर्म अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, ना ही उनके फॉर्म अभी तक रिजेक्ट हुए हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्म अपलोड लेवल पर चले गए हैं और लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है अपलोड लेवल पर चल रहे हैं, ना तो इनको अपलोड किया जा रहा है, ना ही इन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये सरकार द्वारा सामने आया है कि जो टारगेट सरकार ने फिक्स किया था खाद्य सुरक्षा योजना में, वो उनका टारगेट पूरा हो चुका है। अब कुछ फॉर्म रिसबमिट के लिए वापस ई मित्र लेवल पर आ चुके हैं। उन फॉर्मों को यदि ई मित्र द्वारा वापस चढ़ा दिया जाए तो वो फॉर्म या तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे या फिर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो उस केस में जितने भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तो इन जो अपलोड लेवल के जो बंदे हैं जिनके अपलोड लेवल पर फॉर्म पड़े हुए हैं, तो इनका चांस कुछ खुल सकता है। लेकिन यदि 1-2 महीने 3 महीने के अंदर ये नहीं हुए, तो फिर ये जो फॉर्म चढ़े हुए हैं वो ठंडे बस्ते में जाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन आ जाएगा और ये फॉर्म अपलोड नहीं हो पाएंगे और अगली सरकार में ये फिर कार्रवाई शुरू होगी या फिर कब होगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।